हे गाइस, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि एनिमल क्या आग लगा रही है, मतलब बॉक्स ऑफिस पे जो आग इसने लगाई है, जो कलेक्शन इसने करे ना, वो नेक्स्ट लेवल के। मतलब सोच के देखो यार, इस मूवी ने जवान के सेकंड वीक के कलेक्शन को क्रॉस करा है, मतलब बीट करके दिखाया है कि रणबीर कपूर की क्या स्टार पावर है, दिखाया है कि इस मूवी का क्या पोटेंशियल है। और हाँ, अगर ये मूवी डंकी और सलार अगर अगले हफ्ते नहीं आ रहे होते तो ये मूवी कितना लंबा रन रखने वाला था। डेफिनेटली इसके शोज अगले हफ्ते भी रहेंगे, डंकी और सलार के सामने भी रहेंगे, लेकिन हाँ कुछ शोज गिरेंगे और उसके कारण कलेक्शन भी अच्छे खासे डिप होंगे, क्योंकि सलार और डंकी के बीच में जो स्क्रीन काउंट को लेकर जंग है ना, वो तो किसी से छुपी नहीं है। और सच में उन दोनों के बीच की जो जंग है, उसका नुकसान एनिमल को भी होने वाला है। लेकिन जहां तक बात है एनिमल के आज के कलेक्शन की, आज ये मूवी कितना कुछ कमाने वाली है, आज ये मूवी अपने कल के कलेक्शन से जंप दिखाएगी। और आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये मूवी 8 से 8.5 करोड़ के बीच का कलेक्शन करेगी, जो कि काफी बड़ा नंबर है। अभी तक ये मूवी 5 करोड़ से नीचे नहीं गिरी, आप इमेजिन करके देखो। हम आज डे 16 की बात करें, 16वें दिन पे खड़े होकर अगर हम ये बोलते हैं कि आज तक ये मूवी 5 करोड़ के नीचे नहीं गिरी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब आप सोच के देखो, इस मूवी ने जवान के कलेक्शन को बीट करा है सेकेंड वीक में। पठान तो आसपास भी नहीं है, मतलब पठान का जो सेकेंड वीक का कलेक्शन था वो कुछ 100 करोड़ के आसपास था, इस मूवी ने ऑलमोस्ट 150 करोड़ टच करा है, 140 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। तो आप सोच के देखो, पठान जवान जिनको हमने बेंचमार्क मान के रखा था, उनको भी बीट करते जा रही है ये मूवी। हर बार ऐसा क्यों होता है कि शाहरुख खान की मूवी उनकी उनकी रिकॉर्ड्स को बचाने आती है? मतलब हमें एक बार एक पॉइंट पे लग रहा था कि गदर 2 पठान के रिकॉर्ड को तोड़ देगी, और वहीं जवान आ गई और जवान ने फिर तहस नहस मचा दिया। गदर 2 वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। जहाँ तक बात है, अभी हमें ऐसा लग रहा था कि ये मूवी पठान या जवान में से किसी सॉरी जवान का पठान का रिकॉर्ड तोड़ देगी, लेकिन अभी फिर से शाहरुख खान की मूवी डंकी आ जाएगी। और मुझे पूरे यकीन है डंकी बहुत बड़ी हिट होने वाली है, मुझे पूरी उम्मीद है उस मूवी के साथ। राजकुमार हिरानी की मूवी है, लेकिन हाँ, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि एनिमल ने कलेक्शन खराब करा है। एनिमल ने कलेक्शन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे करे हैं, ये एक इंडस्ट्री की हिट रही है। ये इस साल की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी, वन ऑफ द बेस्ट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने किए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। बाकी आपको क्या लगता है इस मूवी के लाइफ टाइम कलेक्शन क्या कुछ होने वाले हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।